नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसे फ्रांस ने अमेरिका को अमेरिकन क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर आज ही के दिन 1886 में भेंट किया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित एक विशाल मूर्ति है। तांबे की यह मूर्ति 151 फुट लंबी है, लेकिन चौकी और आधारशिला मिलाकर यह 308 फुट ऊंची है। 22 मंजिला इस मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। अमेरिकन क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर तांबे की बनी ये मूर्ति फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को दी थी। 2010 का अनुमान है कि इस मूर्ति को देखने रोजाना 12,000 से 14,000 लोग आते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका को 1886 में फ्रांस के लोगों द्वारा अमेरिकी क्रांति के दौरान स्थापित दोनों देश के बीच दोस्ती का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया था। मूर्ति के दाहिने हाथ में एक मशाल और एक किताब है, जहां स्वतंत्रता की घोषणा की तारीख 4 जुलाई 1776 लिखी है, जो मूर्ति के बाएं हाथ में है। प्रतिमा न्यूयॉर्क हार्बर में लिबर्टी द्वीप पर है और यहां को अप्रवासियों और जहाज से यात्रा करने वाले अमेरिकियों का स्वागत करती है। प्रतिमा को 1901 तक यूनाइटेड स्टेट लाइट हाउस बोर्ड द्वारा और फिर युद्ध विभाग द्वारा प्रशासित किया गया था। 1933 के बाद से इसे राष्ट्रीय उद्यान सेवा द्वारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी राष्ट्रीय स्मारक के हिस्से के रूप में बनाए रखा गया है और यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। 1916 से मशाल की चारों ओर की बालकनी में सार्वजनिक प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बिल गेट्स को आज कौन नहीं जानता। अपनी कड़ी मेहनत और सोचने के अलग ढंग के कारण न सिर्फ उन्होंने प्रसिद्धि पाई, बल्कि आज प्रत्येक युवाओं के लिए गेट्स एक प्रेरणा स्रोत है। आज ही के दिन 1955 को वॉशिंगटन में उनका जन्म हुआ था। बिल गेट्स का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 28 अक्टूबर 1955 को वॉशिंगटन में जन्मे बिल ने वर्ष 1975 में पॉल एलन के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। तब कौन जानता था कि यह देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन जाएंगी और गेट्स पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति के अग्रदूत बनेंगे। उनकी तरक्की की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 32 साल पूरे होने के पहले ही 1987 में उनका नाम अरबपतियों की फोर्ब्स की सूची में आ गया और कई सालों तक वह इस सूची में पहले स्थान पर रहे। अतः धन होने के बावजूद बेहद सामान्य और सहज जीवन बिताने वाले बिल गेट्स अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा धर्मांत कार्यों एवं समाज सुधार पर खर्च करते हैं। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी है, द रोड अहेड और बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट्स। गेट्स को प्रोग्रामिंग उससे संबंधित मशीनों में गहरी दिलचस्पी 13 साल की उम्र में से ही पैदा हो गई थी। इसी उम्र में उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम भी लिखा था। उन्होंने जीई कंप्यूटर पर अपना पहला प्रोग्राम लिखा था। उनका यह प्रोग्राम बेसिक कंप्यूटरिंग भाषा में था। इस प्रोग्राम में यूजर्स कंप्यूटर के साथ टिक टैक टो खेल सकते हैं। हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों में से एक, प्रसिद्ध व्यंगकार और समकालीन कथा साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग लेखन के लिए विख्यात साहित्यकार श्रीलाल शुल्क लखनऊ की शान थे। उन्होंने वर्ष 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की और वर्ष 1949 में राज्य सिविल सेवा से अपनी नौकरी शुरू की। वर्ष 1983 में शुल्क भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए। 31 दिसंबर 1925 को जन्मी श्रीलाल शुक्ल का निधन आज के दिन 28 अक्टूबर 2011 को हुआ। वरिष्ठ व्यंगकार गोपाल चतुर्वेदी बताते हैं कि श्रीलाल शुल्क मेरे करीबी दोस्त में से थे। उनका व्यक्तित्व अपने आप में मिसाल था। वह अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी भाषा के विद्वान थे। साहित्य के साथ संगीत के शास्त्रीय और सुगम दोनों पक्षों के रसिक मर्मज्ञ थे। उन्हें नई पीढ़ी भी सबसे ज्यादा पढ़ती है। वह नई पीढ़ी को सबसे अधिक समझने और पढ़ने वाले वरिष्ठ रचनाकारों में से एक है। स्माइल मैन सर्वेश अस्थाना ने बताया कि श्रीलाल शुल्क गद्य व्यंग के एवरेस्ट माने जाते हैं। बहुत बड़े अफसर और व्यंगकार होने के बावजूद वह अपनी आलोचना को बहुत ही धैर्य के साथ सुनते थे। उनकी पुस्तक विश्रामपुर का संत की चर्चा उनकी उपस्थिति में होनी थी। उस पुस्तक की शुरुआती कुछ पंक्तियों में से मैं सहमत नहीं था और यह बात हमने खुले मंच पर से कही। उन्होंने न सिर्फ मेरी बातों को स्वीकार किया, बल्कि मेरी स्पष्टवादी निर्भीकता की भी प्रशंसा की। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।